सुपोर्टिव कांग्रेस हम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हम सब उसका नाम जानते हैं, हम सब ने उसकी मासूम आंखें देखी हैं। वो बच्ची, उसको कितनी बुरी तरीके से बलात्कार करके मारा गया, ये हमारे लिए शर्म की बात है। जब मैं यहाँ पे अपने कम उम्र के साथियों को देखती हूँ, ये जो स्कूल जाते हुए बच्चे, जब मैं उनको देखती हूँ, यकीन मानिए मैं नजर नहीं मिला सकती हूँ इन बच्चों से, क्योंकि हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी ने आपकी पीढ़ी के साथ नाइंसाफ किया कि महिला प्रश्न को मुख्य प्रश्न नहीं बनाया। हम लोग आपकी पीढ़ी से माफी मांगते हैं, हम लोग इन स्कूल जाते हुए बच्चों से माफी मांगते हैं कि हमने बलात्कार को मुख्य प्रश्न नहीं बनाया, हमने महिला प्रश्न को केंद्रित नहीं किया, ये हमारी गलती है। लेकिन अब और नहीं, हमारी बहन स्वाति 9 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। हम लोग उनसे अपील करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, आप सब लोग अगर जो लोग दिल्ली से हैं जानते हैं, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, कभी हमने उसका नाम नहीं सुना। कौन दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का चीफ है हम लोगों को कभी नहीं पता था। पहली बार अगर किसी ने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को एक नाम दिया, एक पहचान दी, उस पद को एक इज्जत दी, तो वो स्वाति मालीवाल। दिल्ली का नाम लेने से लोग डरते थे, मीडिया में कहा जाता था कि दिल्ली रेप कैपिटल है, दिल्ली में हम लोग आजाद नहीं घूम सकते हैं, हम लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजने से डरते हैं वहां पे। लेकिन उसी दिल्ली में न्याय की आवाज बनकर, जस्टिस की आवाज बनकर स्वाति मालीवाल खड़ी है और हम उनके साथ खड़े हैं। कई लोगों ने उनकी निंदा की, कहा कि वो जो है खुद को विक्टिम बना रही है, वो जो है खुद को जो है केंद्र में रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसिफ जो अभी वाला जो कठुआ वाला मामला हुआ है, वो तो अभी हुआ है, लेकिन कई महीनों से हम स्वाति का काम देख रहे हैं कि हर जगह दिल्ली में जहां पर भी किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, स्वाति वहां पे पहुंची है, उन्होंने काम किया है। और हम लोग जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हम लोग जानते हैं सिस्टम खराब है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल, और ये सभी औरतों के लिए एक बड़ी मिसाल है, स्वाति मालीवाल इस बात की मिसाल है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो और अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आप काम करना चाहते हो तो एक खराब सिस्टम के साथ भी काम कर सकते हो। स्वाति दी क्या डिमांड कर रही है, क्या इतना मुश्किल लग रहा है केंद्र को? वो कह रही है कि दिल्ली पुलिस में 66,000 नई भर्तियां होनी है। हम इस मांग का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस भूखी बेटी का जो है इनकी आवाज सुन करके इनकी मांग को माने। ना सिर्फ इतना, हम लोग ये भी मांग करते हैं कि महिला पुलिस की भर्ती हो और महिला पुलिस जो है वो पुरुष पुलिस के बराबर हो, उनको जो है बराबर वेतन मिले, बराबर उनकी भर्ती हो, उनको एकदम उसी तरह के पावर्स मिले जैसे मेल पुलिस को मिलते हैं। वो डिमांड कर रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसके समर्थन में हैं। सिर्फ एक डिमांड है जिस पे हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। स्वाति मांग कर रही है कि हर किसी बच्चे के साथ में अगर कोई बलात्कार करे उसको जो है फांसी दी जाए। हम उनके सेंटिमेंट को समझते हैं, वो जहां से आ रही है वो कोई पब्लिसिटी के लिए इसको नहीं बोल रही है, क्योंकि वो कई वक्त से जो है बहुत वक्त से बच्चों के लिए आवाज उठा रही है, जिन बच्चों के साथ यौन शोषण होता है उनके लिए आवाज उठा रही है। हम उनके जज्बात को समझते हैं, लेकिन हम लोग क्यों डेथ पेनल्टी का विरोध करते हैं, क्यों हम लोग जो है फांसी का विरोध करते हैं? इसका एक सिंपल सा कारण है, क्या जो बलात्कारी है क्या उसको खत्म कर देने से बलात्कार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि होगा, हम उम्मीद करते हैं होगा, लेकिन क्या दोष सिर्फ बलात्कारी में है? मैं ही नहीं मानती, दोष हम सब में है। अगर मैंने कभी अपनी बहन से कहा हो कि छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ तो दोष मुझ में है। अगर मैंने कभी एक यौन हिंसा की घटना होते हुए देखा हो और उसको नहीं रोका हो, किसी बस में किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, अगर हमने उसको नहीं रोका हो तो गलती हम में है। अगर हमने अपने भाई को कुछ गलत करते हुए देखा हो और उसे नहीं रोका हो
तो गलती हम में है, गलती पूरे समाज में है। हम लोगों को जो काम करना है, मैं आदर करती हूँ आप सब लोगों का, आपके सभी अलग अलग विचार हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक बात पर हम लोग डटे हैं कि जो कठुआ में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हम सब लोग एक साथ हैं और हम सब लोग स्वाति दी के साथ हैं। जो उन्नाव में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग साथ में हैं। जो निर्भय के साथ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग साथ में हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारे साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, हमारे साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई ये ना बोले कि क्या पहनो और क्या नहीं पहनो और बाल बंद करो और छोटे कपड़े पहनो। बस हर किसी चीज में दोष ढूंढा जाता है, कोई कहता है आपने चौमिन खा लिया, कोई कहता है शराब से रेप होता है। रेप जिसकी वजह से होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए। आज हम देखते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है, यानी रेप जो है आप अगर कंप्लेन दर्ज करते हैं तो कितने रेप के केसेस में सजा मिलती है, 21%। ये शर्म की बात है, सिर्फ 21% केसेस में सजा मिलती है। ये किसकी गलती है? क्या ये हमारी गलती है? जब एक महिला न्यायालय में जाती है, न्यायपालिका में जाती है, उसके बयान का विश्वास ही नहीं किया जाता, उससे कहा जाता है कि नहीं तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा। हमने देखा, निहायत शर्मनाक बात है, दिल्ली के अंदर एक रेप केस हुआ, महमूद फारूकी रेप केस, आप सब लोग जानते होंगे। उसमें मैं न्यायपालिका का आदर करते हुए ये कह रही हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, एक्विटल दिया गया ये कहकर कि फीबल नो था। ये फीबल नो क्या होता है? फीबल नो यानी कि लड़की ने धीरे से नो बोला, उसने जो है डट करके जो है नहीं नहीं बोला। मैं ये बोलना चाहती हूँ, संविधान में ये कहीं पर नहीं लिखा है, संविधान में फीबल नो, हल्का नो, पक्का नो, कच्चा नो, ऐसा कुछ नहीं है। नो मींस नो, नहीं मतलब नहीं। और हम लोगों का जमीन सिर्फ तब क्यों जागता है जब एक छोटी बच्ची को एकदम बलात्कार करके मार दिया जाता है। हर छोटी घटना पर बोलिए। मैं एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, मैं नाम लेके कहूंगी, अतुल जौहरी। अतुल जौहरी के खिलाफ 10 लड़कियों ने सामने आकर कहा इन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया है। लेकिन क्या हुआ? क्या उन्हें अरेस्ट किया गया? उन्हें एकदम अरेस्ट नहीं किया गया। उनके खिलाफ 10 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के चार्ज लगाए, पुलिस में जाकर लगाए। लेकिन ये दिल्ली पुलिस क्या करती है? यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी शायद खड़े होंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ उस केस में? 80 मिनट के अंदर उन्हें 8 केसेस में बेल मिल गई। 8 जो अलग अलग केसेस हैं जिनका नेचर अलग है, सभी में बेल मिल गई। और यकीन मानिए, मुझे तो इतना, हम लोगों का दिल इतना जो है ना उम्मीद हो चुका है। हालांकि उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इंसाफ मिलते हुए दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कि कल को जब ये आदमी कोर्ट में जाएगा तो क्या उन लड़कियों का विश्वास किया जाएगा या उसका विश्वास किया जाएगा। हमारे समाज में ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब भी कोई लड़की आवाज उठाती है कहा जाता है ये तो ऐसी है, इसने कुछ किया होगा, नहीं थोड़ा सा लग नहीं रहा कि वो सही। अरे यार, बार बार ये कहा जाता है कि लड़कियां झूठा कंप्लेंट करती है, लड़कियां झूठा कंप्लेंट करती। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, लड़कियां होने के नाते हम सब लोगों ने देखा है, जब हम लोग रेप के खिलाफ बोलते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ बोलते हैं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं, सामाजिक बहिष्कार कभी आरोपी का नहीं होता, सामाजिक बहिष्कार हमेशा महिला का होता है। मुश्किल होता है एक महिला के लिए आकर के सामने बोलना कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उसके बाद भी क्या हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे? कार्रवाई कीजिए, हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत कीजिए, एकदम कीजिए, लेकिन पहले हमारी बातों का यकीन तो कीजिए। इसलिए कन्विक्शन, इसलिए सिर्फ 21% केसेस में कन्विक्शन होता है। हर को हमारे लिए बेहतर बनाया है, सेफ बनाया है, तो हम सलाम करते हैं उन 10 लड़कियों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन्होंने अतुल जौहरी के खिलाफ आवाज उठाई। हम सलाम करते हैं हर उस बेटी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिसने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। तो स्वाति